साहित्य कला संगीत और रंगमंच में पश्चिम बंगाल और यहाँ रहने वाले बाशिंदों का एक बड़ा योगदान माना जाता है। बांग्ला साहित्य का इतिहास 12वीं सदी से भी पुराना है। आधुनिक युग में कई साहित्यकारों के साथ नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का भारतीय साहित्य में एक अलग मुकाम है। यहाँ की क्षेत्रीय बांग्ला फिल्मों को उनकी खूबसूरती के लिए अनेकों बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा भी गया है। 1905 में राजनीतिक फायदे के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, लेकिन लोगों के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए 1911 में बंगाल को फिर से एक कर दिया गया। इससे स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला और तेजी से भड़क उठी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ यहाँ के बाशिंदों ने आजादी के आंदोलन में अहम योगदान दिया। बड़ा राज्य न होने के बाद भी देश में सकल घरेलू उत्पादन का लगभग छठा हिस्सा यहीं से आता है। सूबे की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर टिकी है। यहाँ अमूमन 4 में से 3 लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। बंगाल पूरी दुनिया में सुंदरबन के लिए मशहूर है। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी माना जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर सबसे पहले यहीं पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें यहां से देश के अलग अलग अभयारण्यों में भेजा गया। उद्योग में भी यह प्रदेश किसी दूसरे प्रदेश से कम नहीं है। यहां बरसों से बड़ी बड़ी परियोजनाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। इस्पात, विद्युत, पेट्रोकेमिकल्स, लोहा जैसे कई बड़े बड़े उद्योग यहाँ मौजूद हैं। चुनाव आयोग ने 6 चरणों में चुनाव की तारीखें तय की हैं। 294 विधानसभा सीट के लिए यहाँ पहले फेज के लिए 4 और 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि 17, 21, 25, 30 अप्रैल और 5 मई को बाकी चरणों का चुनाव तय है। 19 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। यहाँ 6,55,46,101 मतदाता मौजूद हैं, जिनके लिए कुल 77,247 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। आजादी के बाद 3 दशक तक यहाँ कांग्रेस के हाथ में सत्ता रही, जिसके बाद 4 दशकों तक वाम दल यहाँ सत्ता पर काबिज रहे, जबकि 2011 में वाम दलों को बड़ा झटका देते हुए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता की कुर्सी हासिल की और ममता बनर्जी तब से यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। 2016 के इन विधानसभा चुनाव में जहाँ एक तरफ टीएमसी के सामने सत्ता बनाए रखने की चुनौती है, तो वहीं वाम दल अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी इस बार पूरा दमखम लगाने में जुटी हुई है।